आवाज न्यूज से मैं हूं आकाश न्यासी। चौधरी परवेज इलाही के वजीर अला पंजाब बनने और खासतौर पर गुजरात को डिवीजन का दर्जा मिलने के बाद चौधरी परवेज इलाही आज गुजरात का बाज़ाब्ता पहला दौरा कर रहे हैं। इस वक्त लाहौर पैलेस में खुशी का समा है और कायदीन समेत मुकामी कायदीन समेत जो खवातीन वर्कर और इसके साथ जो जेंट्स वर्कर हैं उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर चौधरी परवेज इलाही का इंतजार कर रही है और उनके शानदार तरीके इस्तकबाल की तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। इस वक्त एक खातून लेडी वर्कर हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं कि चौधरी परवेज इलाही के शानदार इस्तकबाल समेत गुजरात को जो डिवीजन का दर्जा मिला है इस हिस्सा में वो क्या कहती हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं चौधरी परवेज इलाही की वर्कर हूँ, मैं इंशाल्लाह रहूँगी, मुस्लिम लीग से मेरा तल्लक है, लेकिन मैं बहुत पुरानी हूँ, आज से नहीं, आज 45 साल से हूँ। लेकिन मैंने जो किया अपने कैद के लिए किया है, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, हमारे वज़ीर आला परवेज इलाही साहब बन गए हैं, मोनसलाई और मियां इमरान मसूद हमारे कैद हैं। हम इस वक्त हम तादी हैं PTI के, लेकिन हम उनके साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब बनने का हमें बहुत ज़्यादा खुशी क्यों। अच्छा, ये डिवीजन जो गुजरात बना है, हाँ जी, क्या हाँ जी, ये बहुत अच्छा है हमारे लिए, बहुत अच्छा है मुलाजमों के लिए, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो है ना हमारे इधर ज़्यादा काम अच्छे तरीके से होंगे। जैसे हमारे शहर में पानी पड़ा हुआ है, हम लोग बहुत परेशान हैं, लोग हमें परेशानी देते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारे शहर का पानी भी निकल जाए। जी नाज़रीन, आबद गोरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मुकामी मुस्लिम लीग काफ के ही ये कायद हैं, इनसे भी जानते हैं कि हासिल चौधरी परवेज इलाही के शानदार इस्तकबाल समेत गुजरात को जो सबसे बड़ा आज़ाद हासिल हुआ है डिवीज़न का, इस हिस्सा में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए जी, हमारी हुकूमत जब भी मौसमी काफ की आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह परवेज साहब ने काम वो किए हैं जो किसी ने आज तक नहीं किए, जैसे कि 1122, अब उनका इसके अलावा और भी प्रोसीजर हैं जो यादगार जो प्रोसीजर होते हैं जो माशाल्लाह ये करते हैं, सारी दुनिया याद करती है। और वज़ीर आला बनते हैं तो हमें तो गुजरात के, हमारे गुजरात के माशाल्लाह हमें तो बड़ी खुशी होती है, तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है गुजरात में भी वो काम करेंगे इंशाल्लाह और पूरे पंजाब में काम करेंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, हम आपको दिखाते चलें कि ये मनाजर हैं लाहौर पैलेस के, जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहां पर खवातीन लेडी वर्कर्स मौजूद हैं और हर किसी का कहना है कि अब गुजरात के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल होते हुए भी दिखाई देंगे। आवाज़ न्यूज़ से मैं हूं आकाश नियाज़ी।